निहायत खुशी का मौका है कि अज मैनू भारतीय जनता पार्टी के शमूलियत करन दा मैनू मौका मिलिया और इस आस ते उम्मीद नाल कि जो पंजाब दे मसले मसाइल है, पंजाब दे मसले की है, पंजाब दे मसले है गुरबत, रिश्वत, अनपढ़ता, बेरोजगारी, नशाखोरी, वतन दुश्मन कार्रवाइयां, इन्हां मसलियां दा कोई ना कोई हल जिहड़ा है वो लाजमी है। ये किवें हो सकते हैं, इन्हां ते कौन काबू पा सकता है, किहड़ियां जमातां ने, सियासी जमातां ने जिहड़ियां कि इस गल ते संजीदा ने कि पंजाब अगे वधे। और मैं पिछले 8-9 महीनों तो इस मंथन च लग्या होया सी ते मैं इस नतीजे ते पहुंचा है कि जे पंजाब नूं कोई सिमत कोई दिखा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी और वो भारतीय जनता पार्टी। और बड़ी सोच समझ के मैं अपने हल्के दे लोकां नाल, अपने वोटरां नाल मशवरा करके और इस नतीजे ते पहुंचा कि पंजाब दे एजेंडे नूं कोई अगे लैके जा सकता है तो यह रस्ता जिहड़ा है ये सही रस्ता। सब मैं अपनी जी इत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस भी एक गल कही सी, मैं उन्होंने फिर दोहरा रहा हूँ कि तुसी उस जमात के विच किवें काम कर सकते हो जिहड़ी जमात अपने नाल ही जंग ते लगी हुई है। पंजाब कांग्रेस, और मैं सिर्फ पंजाब का नहीं, मैं समझदा सारे मुल्क दे विच ही कांग्रेस का जिहड़ा दस्तूर है वो धड़े पैदा करते, धड़िया एक दूजे न लड़ाते हैं और फिर उन्हों की राजनीति जी है इस गलते महदूद हो जाती है कि किड़ा धड़ा अगे आऊगा। मैं राजनीति च आया सी कि इस देश वास्ते कुछ कर गुजरीए, कोई पंजाब वास्ते कर गुजरीए, मैं राजनीति दे विच अपने धड़े नूं अगे लिजाण वास्ते नहीं आया। इस करके हुण कांग्रेस दे विच चलना जिहड़ा है ये नामुमकिन हो गया। मैं सस्ते बंदियां वास्ते महंगे अथरू जिहड़े है वो नहीं बगाउंदा कि मैं इस वजह नाल, पर एक पंजाबी च ये भी गल हुंदी है कि किसे बंदे नाल तुसी एक पल बैठ के पानी भी पीता होवे तो उहदी निंदिया नहीं करनी चाहिए, पर जे दिलचस्पी है नहीं मुल्क नूं अगे लिजाण, जे मुलाकात करन वास्ते और वो भी इनो मेरी लेवल दी जिहड़ी सीनियोरिटी समझ लो, वैसे तां कोई एडी सीनियोरिटी नहीं पर फिर भी जे कोई पंजाब दे खजाने दा वजीर होवे ते तीन तीन साल मुलाकात दा टाइम इना लीडरशिप ना मिले तो फिर इसे नतीजे ते पहुँचना जिहड़े अज पहुँचे हैं। सो कांग्रेस नूं तां हुण खैर बात कही है और अज इस आस ते उम्मीद नाल कि पंजाब जिहड़ा है ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਬ ਦੀ ਗਰਮੀ, अरब का तपदा होया रेता और साढ़े बच्चे उस तपते हुए रेते नूं अपने पसीने ना ठंडा करते हैं, उत्थे अरब ते दुबई दे मचदे हुए रेते ते गैरां दीआं झिड़कां खांदे हैं। और जिहड़ी धरती 100-100 मन अनाज पैदा करती है उहदे बच्चे रोटी की खातर परदेसां च धक्के खाण तां, और मैं जदों एयरपोर्ट ते जांदा उह देखदा कि उहनां दीआं मावां, कई वारी बच्चियां दीआं मावां उन्होंने विदा करने वास्ते हवाई अड्डे पर जो जाती हैं तो मावं रो रही होंगी, मैं इतों पंजाब दियां मावं के अथरू बर्दाश्त नहीं होंगे। सो मैं ये समझदा कि कोई नेक बंदे, कोई चंगे बंदे और कोई सियाने बंदे, कोई पंजाब नूं कोई सही सिमत मिल जाए, पंजाब का जिहड़ा किबला दुरुस्त हो जाए और पंजाब तरक्की करे। इहदे च कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की करनी है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहना जिहड़ा तुसी ते मैं देख रहे हो। सवाल सिर्फ यही है कि उस नवे हिंदुस्तान दे विच पंजाब दा की मुकाम है। पंजाब किसे वेले हिंदुस्तान दे मत्थे दा चंद हुंदा सी, किसे वेले जिन्ने भी हिंदुस्तान दे सूबे है सैरे फरिश सूबा जिहड़ा सी ओह पंजाब हुंदा सी। अज पंजाब पर कैपिटा इनकम दे एतबार नाल
हरेक जिहड़े इकोनॉमिक ते जिहड़े सोशल इंडिकेटर्स है पंजाब स्लिप कर रहे हैं, ये नाकाबले कबूल ते नाकाबले बर्दाश्त है कि पंजाब पिछे रह जाए। सो मैं मोदी जी का प्रधान जिहड़े बीजेपी है दे नड्डा साहब का अमित शाह साहब का मैं इस गल का बड़ा मन ममनून ते मशकूर है कि उन्होंने मैनू इस पार्टी च शामिल किया, मैनू शमूलीयत का मौका दिता। मैं उन्होंने सारयां का धन्नवाद करदा और मैं तमाम जिहड़ी दिल्ली की प्रेस कोर है तुसी इन्ने अदब ना ते इन्ने सबर ना तुसी मेरी गल सुनी, मैं थोड़ा भी बड़ा धन्नवाद करदा। थैंक यू।